बिलासपुर शहर के पेट्रोल पंप में लगातार विवाद की स्थिति बनी हुई है। जानकारी के अनुसार शहर में एक पेट्रोल पंप के पूर्व संचालक के शिकायत के बाद आज खाद्य विभाग की टीम दूसरी बार पेट्रोल पंप की जांच करने पहुंची, जहां उन्होंने दस्तावेज के संबंध में पेट्रोल पंप संचालक से जानकारी ली। दरअसल पूर्व संचालक का आरोप है कि पेट्रोल पंप को बिना अनुमति संचालित किया जा रहा है और पेट्रोल पंप की जमीन पर लंबे समय से विवाद चल रहा है। दरअसल क्या है, पहले मैं यहाँ चलाता था, उस समय जो है मेरा लीज़ एग्रीमेंट जो है वो कंपनी के साथ था, वो ख़त्म हो गया। उसके बाद जो है खाद्य विभाग ने मेरा लाइसेंस को लीज़ नहीं करके कैंसिल कर दिया। फिर मैंने जो है हाई कोर्ट में जा करके जो है स्टे लिया। उसके बाद फिर यहाँ पर अवैधानिक रूप से यहाँ पर भू माफिया लोगों ने मेरा पंप को कैप्चर कर लिया। एक रात में मुझे वहाँ से हटा दिया गया, लेकिन जो है काफ़ी मशक्क़त के बाद मुझे आज ऐसा लग रहा है कि मुझे न्याय मिलने वाला है। काफ़ी मैंने शिकायत किया और मुझे आज जाकर के मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे सफलता मिल रही है। पूरे 568 पेज का मैंने शिकायत लगाया है।